खबर ग्वालियर से है, जहां साल 2023 के चुनाव और ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक हड़बड़ाहट शनिवार को व्यापार मेला के मंच पर भी साफ दिखाई दी। प्रदेश सरकार के मंत्री इतनी हड़बड़ाहट में हैं कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के नाम तक भूल रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला के शुभारंभ मंच पर सीएम शिवराज के करीबी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधव राव सिंधिया कहकर संबोधित कर दिया। बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ तो सुधार किया। चंद मिनट बाद ही प्रदेश के परिवहन मंत्री व सिंधिया समर्थक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह तोमर कह दिया। अब यह गलती थी कि या सिंधिया समर्थक का पलटवार, फिलहाल इस पर चर्चा जरूर हो रही है। शनिवार को ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ हुआ है। मेला के शुभारंभ अवसर पर मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल हुए। इनके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह, सांसद विवेक सेजवलकर मौजूद रहे। जब मंच पर मंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे तो राजनीतिक हड़बड़ाहट साफ देखने को मिली। मंत्री इस समय अलग तरह की हड़बड़ाहट में है। यही कारण था कि मंच में वरिष्ठ नेतृत्व का स्वागत करते समय प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेने के बदले केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया कह गए। उनके ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी की नजरें उन पर टिक गईं। इसके बाद उनको भी एहसास हो गया कि वह क्या चूक कर गए हैं। उन्होंने वहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया और बाद में वह बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कहते नजर आए। अभी उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा की गलती पर चर्चा शुरू ही हुई थी कि एक और मंत्री सिंधिया समर्थक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंच से अभिवादन में प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिवराज सिंह तोमर कह दिया। हालांकि यह कहते ही उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वापस शिवराज सिंह चौहान नाम लेकर अपनी गलती को सुधार भी लिया। लेकिन वहां ऐसी चर्चा निकल पड़ी कि शिवराज के करीबी ने सिंधिया का नाम भूला तो सिंधिया समर्थक ने यह जवाब दिया। इस घटना का जिक्र सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि यह राजनीतिक हड़बड़ाहट है या जल्दबाजी में स्क्रिप्ट पढ़ने की चूक। कुछ लोग तो इसे सोची समझी रणनीति भी कह रहे हैं। खैर जो भी हो, पर मंत्रियों की इस हड़बड़ाहट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू कर दी है। ग्वालियर में व्यापार मेला के मंच पर एक अलग ही वाक्य हो गया। हड़बड़ाहट में मंत्री वरिष्ठ नेताओं के नाम पढ़ने में ही चूक कर गए। दोनों मंत्रियां हमारे सांसद वर्चुअल जुड़े, मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री सखलेचा जी ने मंच से ज्योतिराज सिंधिया जी का नाम भूल गए, आप सीएम साहब का नाम भूल गए। नहीं, मैंने एक ज्योतिराज सिंह और नरेंद्र तोमर एक दिल जो जद्दोजान है।